हम दे सब देखे सब आज ठीक दे रही है बिकॉज uh, आज काफा काफी बारिश के कारण फ्लक्चुएशन चल रही है एक बार बार

बात कॉपी तबीज और सबसे यानि कि मल्टी को बेनिफिट क्या रहते हैं दस के देख लीजिए और T M I पर कोड को यूज करने से टें ओटी पब्लिक एक्सपेंडिचर देखिए अभी क्लियर अभी है वही ना बता रही हूं ना आपको नेटवर्क इश्यू आ रहा है हैवी रेन के कारण तो आई थिंक अभी ठीक होना चाहिए मैंने माइक जो है वो अपना टर्न ऑन कर लिया है सो so, सबसे पहले थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वैगनर का लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ है ये वैगनर के द्वारा दिया गया है तो वैगनर ये कहता है ये जो वैगनर का लॉ है इसमें ये कहा गया है एस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज आल्सो इंक्रीज इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो वैगनर का लॉ है इसने स्टेट की एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस बताई है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस बताई है कि जो सरकार है जो स्टेट है उसकी एक्टिविटीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती है एक इकोनोमी के लिए ठीक है सो so जैसे जैसे जो सरकार है वो अपना खर्चा बढ़ाती है सो दैट मीनस कि जो सरकारी पब्लिक सेक्टर है उसका रोल बढ़ रहा है में जितना ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पब्लिक सेक्टर का स्टेट का जो रोल है वो इंक्रीज होगा इकॉनॉमी में ठीक है अब गवर्नमेंट का रोल होता क्या है इकॉनॉमी में ये समझिए गवर्नमेंट का रोल होता है लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना दैट मीनस डिफेंस पर खर्चा करना गवर्नमेंट का रोल होता है लोगों की एजुकेशन पर हेल्थ पर कल्चर पर खर्चा करना और तीसरा रोल होता है प्रोडक्शन में भागीदारी अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस पर लगता है पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज पर लगता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर सब्सिडीज देने पर भी लगता है सो okay? so, ये तीनों मेन जो रोल होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इसके अलावा अगर देश की आबादी बढ़ती है तो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है शहरीकरण बढ़ता है तब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है अगर डेप्ट कर्जा बढ़ता है तो भी गवर्नमेंट का दैट मीन खर्चा बढ़ रहा है, है ना तो मैंने आपको बताई कि जो सेक्टर है उसका रोल प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा है क्योंकि ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिन पे सिर्फ गवर्नमेंट ही खर्चा करती है प्राइवेट सेक्टर नहीं करता प्राइवेट सेक्टर जो है ये फ्लाईओवर्स पर पैसे तो नहीं खर्चेगा प्राइवेट सेक्टर जो है लोगों को फ्री एजुकेशन देने पर कैसे तो नहीं खर्चेगा तो ऐसे कुछ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज पर कभी प्राइवेट सेक्टर पैसे नहीं खर्चेगा तो ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं जिन पर गवर्नमेंट को ही खर्चा लगाना पड़ता है ना जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो है अपने हाथ खड़े कर जाते हैं कि यहाँ पर तो सरकार ही अपना काम तो डेट सोई हम बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल ज्यादा है एज कंपेयर टू

Uh, दूसरे शब्दों में कहें इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोरपुट कि जितना गवर्नमेंट जितना कंट्री का आउटपुट बढ़ता है जो पब्लिक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा लगता है ध्यान से बात को समझिएगा कि सरकार जो खर्चा कर रही है सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है एज कंपेयर टू आउटपुट ठीक है आउटपुट से सरकार जितना आउटपुट इकॉनमी में जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा सरकार खर्चा कर रही है इसी चीज को अभी मैं आपको एक्स वाले से समझाऊंगी कि यह चीज क्यों है क्यों सरकार का खर्चा आउटपुट से ज्यादा बढ़ रहा है ठीक है तो गवर्नमेंट का रोल जो है वो बढ़ता जाता है इकॉनॉमी में गवर्नमेंट का रोल जो है वो आउटपुट से भी ज्यादा है दैट मीनस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एक से ज्यादा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज ज्यादा दे रही है एस कंपेयर टू आउटपुट ठीक है मतलब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है इकोनॉमी में जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है इसकी एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ <coughs> एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है हजार यूनिट्स लेट से ठीक है उसकी सैलरी फिक्स है कि उसको जो सैलरी मिल रही है वो 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की मिल रही है बट थोड़ा लेयर में जाने के कारण ये सोच के कि सरकारी नौकरी तो है है ना वो प्रोडक्शन कम कर रहा है जितनी उसे सैलरी मिल रही है तो इससे क्या साबित हो रहा है इससे ये साबित हो रहा है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इट राइजेस मोर देन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनेटली एज कम्पेयर टू आउटपुट मतलब आउटपुट से ज्यादा पब्लिक का खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि पब्लिक गवर्नमेंट तो उसे इतने यूनिट्स के कम्पेरिजन सैलरी दे रही है ना बट वो कम प्रोड्यूस कर रहा है सो okay, so ये मैंने जस्ट एक आपको एग्जाम्पल बताई है की वाई वो इससे की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज इज मोर देन प्रपोर्शनेटली एज कम्पेयर टू पर कैपिटल कम्युनिटी आउटपुट इसको हम अभी एक्स सी वाले कंसेप्ट से समझेंगे प्लस पर मैंने ये पहले अपने लर्नर्स को कंसेप्ट काफी अच्छे से समझाया हुआ है एक्स इनिशियंसी वाला एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आपको आया था एक्स एनएफिप्ट किसके द्वारा दिया गया ठीक है द डिमांड फॉर पब्लिक अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है जितनी ज्यादा इकॉनमी में अर्बनाइजेशन होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड उतनी बढ़ेगी एज कंपोजिशन पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज का लेवल किया अगर तो प्राइवेट सेक्टर दिलचस्पी दिखा रहा है अपनी एक्टिविटीज में काफी तो पब्लिक का बर्डन कम हो जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर भी बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने को तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है बताइए मुझे यहां तक सबको क्लियर है तो ये तो हमने बात की थी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की डिमांड किस पे डिपेंड करती है अब पब्लिक एक्सपेंडिचर की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है स्केल ऑफ प्रोडक्शन That means कि जो प्रोडक्शन का लेवल है पैमाना है वो कितना होना चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन करनी है कम प्रोडक्शन है उस चीज पर परिपेंड कर अच्छा तो यहाँ पर मैं आपको अभी एक्स इन एफिशियंसी का कंसेप्ट समझाती हूँ एक्स इनफिशियंसी इट इज गिवन बाईस्टर्न तो ने लिबिस्टन एफिशिएंसी के सिद्धांत में क्या कहा है ध्यान से समझिएगा 1966 में ने कंसेप्ट दिया था दैट मीन्स इनिश इनएफिशियंट यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सिस इनएफिशियंट यूज ऑफ प्रोडक्टिव सोर्स तो इसका क्या मतलब कि जो प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा ठीक है जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया ओवर स्टाफिंग एग्जांपल है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ब्यूरोक्रेटिक डिले इसकी एक एग्जाम्पल है एबसेंस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट एक एग्जाम्पल है टू बी कंक्लूड ए पोर्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर गेट्स वेस्टेड तो कि जो प्रोडक्टिव सोर्सेज है उनका पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता ओवर स्टाफिंग के जितने कर्मचारियों की जरूरत है उससे ज्यादा हायर कर लेने और इससे क्या होगा पब्लिक का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा लेकिन उसके कंपैरिजन आउटपुट नहीं बढ़ेगा लिमिट इतनी है तो उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस थोड़ी ना स्टाफ कर लेगा अगर हम जहाँ पे जरूरत ही दस बंदों की है हम बारह बंदे भर्ती कर लेते हैं तो उससे आउटपुट नहीं बढ़ेगा लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा जरूर बढ़ेगा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की जो ब्यूरोक्रेसी होती है जो ऑफिसर्स रैंक के होते हैं वो इतना ज्यादा ज्यादा जब चीजों को ध्यान नहीं देते निगलेक्ट करने लग जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ जाती है है ना तो यहाँ पे भी जो सरकारी पैसा है उसकी वेस्टेज होती है एबसेंस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट अब क्या होता है कि जिनकी सरकारी नौकरियां हैं पक्के तौर पर उनकी सरकारी नौकरियां होती हैं तो अगर वो काम नहीं करते तो इसके लिए उन्हें पनिश नहीं किया जाता अगर वो काम ज्यादा करते हैं तो रिवार्ड भी नहीं दिया तो ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट की एब्सेंस के कारण भी कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर वेस्ट चला जाता है ठीक है कि कई लोग सरकारी नौकरी बनाने के बावजूद काम ही नहीं करते वो गवर्नमेंट लेकिन उनको सैलरी दे रही है ना तो ये चीज़ है तो एक्स इन एफिशेंसी का मतलब है कि प्रोडक्टिव सोर्सेज का जो यूज़ है वो इन है आप इस कंसेप्ट को पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी रिलेट कर सकते हैं या आप इस कंसेप्ट को आ, पब्लिक इकोनॉमिक्स में पब्लिक गुड्स से भी रिलेट कर लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट है तो अगर, अगर फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडीज देने लगेगी तो फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी जरूरत से ज्यादा यूज करने लगेंगे तो उससे क्या होगा इन यूज वो भी हो सकती है बात समझे जिसका यूज इनिशियंट तरीके से हो रहा है वो एक्स क्लियर हुई

कि जो इनकम इलास्टिसिटी है गवर्नमेंट सर्विसेज की वो ग्रेटर देन है, ठीक है तो ये मुझे बताइए ये समझ में आ गया सभी को फिर हम पिकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस पर जाए चलेंगे पिकॉक वाइसमैन हिपोथेसिस अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसपे सरकार खर्चा करती है गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है पब्लिक गुड्स पब्लिक गुड सरकार ही प्रोवाइड कराएगी पब्लिक गुड्स जो है प्राइवेट पर्सन तो प्रोवाइड करवाएगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैरिट गुड्स मैरिट गुड्स ठीक है ये सब चीजें जो है ये स्टेट ही प्रोवाइड करवाती है चलो सो नेक्स्ट थ्योरी करते हैं हम पीकोक वाइसमैन हिपोथेसिस वाली सो पीकोक वाइसमैन हिपोथेसिस जो है ये थ्योरी 1890 में ओरिजिनेट हुई थी पीकि पीकोक वाइसमैन का ही एक वर्क था जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूके तो पीकॉक वाइजमैन नोट्स द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दे सेड दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन ए स्मूथ मैनर बट इन ए जर्की स्टेप लाइक फैशन तो पीकॉक वाइसमैन क्या कहता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ता वो उतारो चढ़ावों के साथ बढ़ता है एक जर्क लाइक -like फैशन में बढ़ता है okay? उतारो चढ़ावों से स्टेप लाइक फैशन में ऐसे नहीं बढ़ता कैसे okay? बढ़ता है. बढ़ गया फिर कांस्टेंट हो गया फिर थोड़ा बढ़ गया फिर कांस्टेंट हो गया, बढ़ गया बढ इस तरह से एकदम से बढ़ता नहीं जाता समझे बात तो के इफेक्ट्स कौन कौन से दिए गए हैं तो इट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसेंट्रेशन इफेक्ट ठीक है एक बार टैक्सेशन इफेक्ट भी दे दिया था जो कि इसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पे देखिए

पहले पब्लिक uh, एक्सपेंडिचर था जितने पहले टैक्सेस थे उनका एक हाईर और पहले से नए लेवल पर मूव होना पब्लिक एक्सपेंडिचर uh, के लेवल का डिस्प्लेस होना जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्लियर दूसरा होता गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन अदर एक्टिविटीज गवर्नमेंट न्यू सिचुएशन

पहले वाले से हटके एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और इस नए इक्विलिब्रियम में गवर्नमेंट के पास बहुत सारे नए एरियाज ऑपरेट करने के लिए होते हैं जहां पे गवर्नमेंट खर्चा भी करेगी और जहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा तो इस पहले से नए इक्विलिब्रियम पर मूव है ठीक है मुझे बताइए प्लीज कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं

So, इसको इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का सिंपल मतलब था कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ठीक है पुराने टैक्सेस और पुराने एक्सपेंडिचर की बजाय एक इंक्रीज मतलब पहले अगर टैक्स सात परसेंट थे अब टैक्स दस परसेंट हो गए पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना था अब पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना हो गया मतलब एक पुराने लेवल से एक नए और पहले से ज्यादा वाले लेवल पर टैक्सीज और ज्यादा वाले लेवल पर पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना इक्विलिब्रियम चेंज कर रही है दैट मीनस कि कुछ ऐसे एरियाज को ऐड कर रही है जो एरियाज पर वो पहले ध्यान नहीं दे रही थी और उन एरियाज पर भी अपनी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर रही है ठीक है इंस्पेक्शन इफेक्ट आप इस तरह से याद रख लीजिए एक्सपेंड एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी याद रख तो तीसरा है यहाँ पे कंसेंट्रेशन इफेक्ट सबसे इजी है ये याद रखना कंसेंट्रेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की टेंडेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के कंपैरिजन ज्यादा रेट पर इंक्रीज होती है क्योंकि कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के इंक्रीज होने का जो रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा है दैट पे कंसेंट्रेशन सेंटर को दी गई है ठीक है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है वो ज्यादा कंसेंट्रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट ठीक है दिस इज कंसेंट्रेशन इफेक्ट ये समझ आ गया अभी कॉल इन क्लॉक करें बताइए लार्क कॉलिन क्लॉर्क हिपोथिसिस ये भी एक पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्यूरी है दिपोथिस टेल्स द ऑप्टीम लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो क्लार्क का hypothesis है ना ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऑप्टिमम लेवल को बताता है ये ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट एक्टिविटीज पच्चीस परसेंट से ज्यादा बढ़ती हैं तो इससे एक में इन्फ्लेशन आ जाएगी क्लार्क के hypothesis में एक ऑप्टिमम लेवल जो है ये पच्चीस परसेंट दिया गया है गवर्नमेंट एक्टिविटीज का अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो पच्चीस परसेंट से ज्यादा करती है तो इससे एक में इन्फ्लेशन आ ठीक है महंगाई बढ़ जाएगी तो so, सिंपली ये ये है कॉलिंग क्लॉर्क का ही अच्छा आगे ना ये थ्योरीज हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा थोड़ा इसे हम फिर भी देख लेते हैं ये प्योर थ्योरीज हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की जैसे एक की एबिलिटी टू पे थ्योरी होती है इसका तो मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड शुड बी ए फीस टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उस रेट पर चार्ज किए जाने चाहिए कि उनकी एटलीस्ट जो प्रोडक्शन पर कॉस्ट लगी है वो कवर हो जाए

वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी का मतलब ना आपका पब्लिक गुड्स में थोड़ा सा चले जाता है Voluntary exchange theory कहती है वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी कहती कि जो पब्लिक गुड्स है ना उनका कोई प्राइस नहीं होता क्योंकि ये गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं ठीक है जैसे गवर्नमेंट ने एक पब्लिक गुड प्रोवाइड कर दिया ठीक है अब वो पब्लिक गुड गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि उसका बेनिफिट ये ले रहा है वो ले रहा है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा तो दैट्स वाई उसका प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सभी कंज्यूम करते हैं उसको ठीक है और फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं so, there is voluntary exchange theory कहती है कि there is no price mechanism for public goods क्योंकि उसे सभी फ्री में कर रहे हैं तो उसका कोई ठीक है तीसरी है यहाँ पे समलसन की थ्योरी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर तो so, ये कहती है पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड कोलेक्टिवली एंड कांट बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंटरप्रीनियप्लाइज मार्केट प्रिंसिपल टू द

कैनन्स पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पहली तीन थ्योरीज मैंने करवाई थी ना एक आपकी वैगनर की 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 और क्लार्क ये तीन थ्योरीज इंपॉर्टेंट है ये थ्योरीज तो जस्ट वैसे ही मैंने आपको बता दिया है, ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये किसने दिए हैं फिंडले शराज ने दिए हैं पहले तो ये याद रख

पब्लिक एक्सपेंडिचर का फायदा गवर्नमेंट वही उन्हीं चीजों पर खर्च जिनसे कुछ लोगों को बेनिफिट हो ठीक है है तो ये होता कैनन ऑफ बेनिफिट दूसरा यहां पे आता है ऑफ ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको अपना फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए सिंपल सी बात जो हम घरों में अपने बड़ों से भी सुनते हैं फजूल खर्ची से बचिए है ना वही कैनन ऑफ इकोनॉमी पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी है फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहिए क्योंकि ओवर स्पेंडिंग होगी तो रिसोर्सिस की वेस्टेज होगी है ना तो जो एक्सपेंडिचर है जितना रिक्वायर्ड है जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए जरूरत से ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है उसको गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए तीसरा है यहाँ पे कैनन ऑफ सेंशन कैन ऑफ सेंशन दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डन ओनली अप टू ए अपन लिमिट विदाउट फ्रॉम द हायर विदाउटी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो हायर अथॉरिटीज है ना उनकी परमिशन भी लेनी पड़ती है तो उस लिमिट तक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक है जहाँ तक अथॉरिटीज uh, परमिशन के बगैर हम खर्चा कर सकते हैं बट एक लिमिट के बाद खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की रजामंदी चाहिए और उस रजामंदी के बिना हम खर्चा एक लिमिट से बियॉन्ड नहीं कर सकते एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते बात ठीक है, सो कैनन ऑफ का मतलब कि हायर अथॉरिटीज की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है पब्लिक एक्सपेंडिचर में चौथा तो कैनन आता है कैनन ऑफ सरप्लस दैट इज स्पेंडिंग शुड बी डन तो डेट सरप्लस इज मेन स्पेंडिंग इस वे में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट अपना सरप्लस जरूर का मतलब ये है गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से एक्सीड करना चाहिए बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमेशा उसके रेवेन्यू से बढ़ जाता है बट ये कैनन ये कहता है कि होना ऐसा चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए ठीक है आर फोर कैन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैनन ऑफ बेनिफिट कैनन ऑफ इकोनॉमी कैनन ऑफ सैक्शन एंड कैन ऑफ सरप्लस समझ में आया सभी को बताइए मुझे प्लीज टू yeah, ऑल चलो ओके वेलकम कुंदन मिश्रा जी इसके अलावा कुछ और भी कैनल्स होते हैं बट आपको वही कैनन्स याद रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन की पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई हम कैसे करें एक तो होता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो होता है जो आ, किसी सोशल ओवरहेड्स को मेंटेन करने के लिए लगता है दैट मीन्स अगर हम एजुकेशन पर कर रहे हैं खर्चा फ्लाई बनाने पर कर रहे हैं हेल्थ पर कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव एक्सपेंड ठीक है एजुकेशन पर खर्चा करेंगे ना तो आने वाली कितनी पीढ़ियाँ पड़ जाएंगी ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा हम कैपिटल एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों फ्लाई पर किया खर्चा या रोड्स पर किया खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया खर्चा ये जो है ये फिजिकल कैपिटल में आप Uh, हालांकि हमारा ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा करना ज्यादा मायने रखता है फिजिकल कैपिटल पर खर्चा करने से ठीक so, uh, है तो बट चाहे फिजिकल कैपिटल पर हो रहा है दोनों प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में आते हैं क्योंकि अगर फिजिकल कैपिटल पर खर्चा होगा इससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी इससे हमारा ट्रेड ग्रो करेगा ह्यूमन कैपिटल पर किया गया खर्चा जब स्किल मैन पावर स्किल्ड होगी ट्रेंड होगी तो इससे वो अच्छे से रन कर पाएंगे Uh, अच्छे से इंटरप्रीनियरशिप इनोवेशन लोगों में बढ़ेगी एजुकेशन से है ना तो इससे कंट्री तरक्की करेगा और ये भी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है तो याद रखिएगा <coughs> दोनों प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में है. ये कंट्री के लिए कुछ प्रोड्यूस करते हैं बात समझे जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है ये कंट्री के लिए कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जैसे डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन Uh, अभी अभी जो लो एंड ऑर्डर होता है जो डिफेंस है ठीक है ये कंट्री के लिए कुछ प्रोड्यूस तो नहीं ना कर रहे सो दैट्स वाई ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन सा एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव में आएगा कौन सा अनप्रोडक्टिव आपको ये चीज़ पता होनी ठीक है थीके?

ऐसी पेमेंट जो एक तरफा होती हैं और बदले में गवर्नमेंट गौ, आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांगती <coughs> वो ट्रांसफर पेमेंट्स होती, है।, होती है।, अगर आपको वो दे रही है तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ ले भी रही है जैसे कि जो सैलरीज होती है ना वो नॉन ट्रांसफर होती है गवर्नमेंट okay? किसी पब्लिक एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है और उससे सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रही है वो ठीक है कुंदन मिश्रा जी ये YouTube वाली क्लास रोज छह बजे होती है और इसके अलावा आन अकेडमी पर फ्री क्लासेस भी होती हैं सो तो वो टाइम टेबल मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगी तो बने रहिएगा एक होता है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि बताइए इनमें से कौन सा आइटम जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना इस ये एसेट क्रिएट नहीं करता कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट करता जैसे मान लीजिए एक सरकार ने एक बिल्डिंग बना दी एक स्कूल बना दिया ये एक एसेट बना कैपिटल एक्सपेंडिचर बट अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरीज दे रही है तो ये तो कोई एसेट तो नहीं है ना तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये रिकरिंग होता है रिकरिंग का मतलब हर महीने गवर्नमेंट को सैलरीज देनी पड़ेगी बट ये कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं ठीक है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें एसेट क्रिएट हो रहा है जैसे गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग बना रही है गवर्नमेंट स्कूल खड़े कर रही है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में और ये रिकरिंग नहीं होते बिल्डिंग्स रोज नहीं रोज-रोज नहीं बनती स्कूल्स रोज-रोज नहीं खुलते ना पूरी रिकरिंग नहीं है समझे पेंशन इज व्हाट पेंशन क्या होती है आपको ये नहीं पता ये पूछ रही हैं आप ज्योत्सना जी देखिए ओल्ड एज पेंशन जो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है या बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो रिटायर हो जाते हैं रिटायरमेंट होती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन लगती है ना ओल्ड एज में तो उसको बोलते हैं आगे देखिए इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसके इफेक्ट क्या होते हैं तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये इनइक्वालिटीज को कम करता है ठीक है इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज व्हाट आर कॉमन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम लेवल अब गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर सिस्टम फॉलो करती है याद रखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर सिस्टम का मतलब गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि जो अमीर लोग हैं इनकी इनकम ज्यादा है उनको सुविधाएं कम देनी और जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनको सुविधाएं ज्यादा देनी आप देखिए गवर्नमेंट की ज्यादातर स्कीम जो है वो बीपीएल को टारगेट इज हैं पॉवर्टी है okay, गवर्नमेंट की हर एक स्कीम में एक आ, वो होता है ना कंडीशन होती है कि अगर आपकी सालाना इनकम इतने से कम है तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं so, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो प्रोग्रेसिव है गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग जिनकी इनकम कम है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और जिनकी इनकम ज्यादा है उनको ना फायदा मिले तो गवर्नमेंट क्या करती है इस डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्ट के तहत इन कैसे कम होती हैं? दिस इज रिच एंड दिस इज पुअर गवर्नमेंट ये जो रिच है ना रिच के हेड कार्ड देती है इन पर टैक्सेस लगाकर As you know, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनको लगा के, के होते ना ये तो बढ़ने से बढ़ जाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से रिच के हेड काट करती है और जो पुअर है ना इनको लंबा कर देती है इनको सब्सिडीज दे ठीक है सो so, इस तरह से गवर्नमेंट इक्वालिटी

ये गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि रिच एंड पुअर को इस तरह से इक्वेट करना है। तो जो रिच है उनके टैक्सेस से जो पुअर है उनको बेनिफिट देना है सो ये दोनों इक्वल आ सके समझे बात दूसरा इफेक्ट होता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन पर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है क्योंकि अगर लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी लोगों को पेंशन मतलब ट्रांसफर पेमेंट ज़्यादा मिलेंगी सैलरीज मिलेंगी उनको ज्यादा या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज लोगों को ज्यादा मिलेंगी तो लोग काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे सेव ज़्यादा करेंगे डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन इससे बढ़ेगी और ये इफेक्ट टैक्सीज के केस में एकदम इससे उल्टा रहता है प्रोडक्शन बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी याद रखिएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने से प्राइजेस भी बढ़ते हैं ठीक है ठीके? अगर प्राइजेस की बात करें ना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने से इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चीजें यहाँ पे तो अगर तो इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है ना तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी अगर रिजेशनरी मंदी चल रही है इकॉनमी में तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी या? ये चीज़ याद रखिए तो बताइए मुझे क्लियर है सभी को सभी चीज़ें किसी को किसी चीज़ में कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है यू कैन यस yes, बताइए अच्छा सारा कुछ क्लियर है तो so, मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देती हूँ चीजों को हमने क्या पढ़ा थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वैगनर का हिपोथेसिस स्टेट एक्टिविटी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा

तो इसके अलावा आज ठीक सात बजे प्लस क्लास है आपकी इस क्लास के बाद जिसमें हम मैथेमेटिकल इकनॉमिक्स कॉन्टिन्यू करेंगे कल की क्लासेस का शेड्यूल देख लीजिए कल सुबह दस बजे तो आपकी प्लस क्लास है ठीक है सुबह साढ़े दस बजे यूट्यूब पर क्लास होगी आपकी में हम मॉडल टेस्ट पेपर वन करेंगे ठीक बारह बजे यूट्यूब पर अगेन क्लास होगी इसमें हम पेपर टू इकनॉमिक्स करेंगे वी वाई क्यूज इसके एम सी क्यूज लेटेस्ट होंगे एकदम बिल्कुल और शाम को पांच बजे बहुत ही उम्दा सेशन मैंने आपके लिए प्लान किया है कल संडे है तो सभी बच्चे फ्री होके ये क्लास जरूर देखिएगा इसमें मैं आपको डिजिटल इनिशिएटिव्स करवाने वाली हूँ हायर एजुकेशन के जो आपके पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव्स वाला टॉपिक जो है आज की डिमांड के अनुसार है आज की डिमांड के अकॉर्डिंग है ये आपका हायर एजुकेशन आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड तीनों में कवर होता है ठीक है तो डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन मेरे साथ कल करिएगा 5 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में और अगर पहली बार क्लास देखेंगे तो मेरा कोड देख लीजिए सिमर 10 एस आई एम या सिमर 10 कोड को यूज करके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे ठीक है और अगर प्लस पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी ये कोड लगा के अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लें ठीक है जी ओके सो एनी डाउट टू एनीवन मिलते हैं सात बजे प्लस क्लास में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय